हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये वीडियो है हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो। किसकी इंट्रोडक्शन वीडियो? इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उस सब्जेक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। उस सब्जेक्ट की आज हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या मतलब हमारा कंटेंट होता है और हम अपने लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरा जो सिलेबस जो पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता है फर्स्ट ईयर वालों का, जो हर ब्रांच में कॉमन है, उसका हम पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट कौन सा हमारा? इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसमें क्या क्या कंटेंट हम लोगों को कवर करना है, ये आज उसकी आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा। और आप लोग हमारी वीडियोज को रेगुलरली देखेंगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता दूं कि हमारा कंटेंट क्या क्या है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में। देखिए बच्चों, ये आपका डिटेल कंटेंट्स आ गया है। इसमें सबसे पहला चैप्टर आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहला चैप्टर आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंट्रोडक्शन से तो आप समझ सकते हैं परिचय, किसी भी चीज का परिचय। आप कोई भी बुक उठाते हैं, कोई भी चैप्टर, मतलब सबसे पहला चैप्टर उसमें क्या होता है? इंट्रोडक्शन। मतलब उस बुक में आप क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको उसका इंट्रोडक्शन होता है, और उस बुक से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है उसकी भी नॉलेज आपको दी होती है इंट्रोडक्शन में। तो ऐसे ही हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहला चैप्टर है यहाँ पर। इसमें हम जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम क्या क्या ड्रॉ करना होता है, ठीक है, और इनकी जो ड्रॉ करते हैं इनको ड्रॉ करने के लिए हमारे पास गाइडलाइंस क्या क्या होती है। तो यही हमारा इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ड्राइंग बनाने के लिए हमें जो जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। मटेरियल्स, जो जो मटेरियल चाहिए वो देखेंगे। लेआउट, मतलब कोई भी ड्राइंग किसी शीट पर बनाने से पहले उस शीट पर क्या करना पड़ता है? एक लेआउट करना पड़ता है, वो भी हम करना सीखेंगे। साइजेस ऑफ ड्राइंग, मतलब ड्राइंग की साइजेस ऑफ शीट्स और ड्राइंग बोर्ड्स, मतलब इन सब की साइजेस भी हम यहाँ पर जानेंगे, ड्राइंग शीट के, आपके बोर्ड के, इन सब की साइजेस भी हम यहाँ पर जानेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स इन इंजीनियरिंग ड्राइंग एज पर BIS, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स को भी हम यहाँ देखेंगे, स्पेसिफिकेशन उनकी देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे आप? ये सारे फिगर्स, क्या? हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स एज ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, इलिप्स एंड कर्व्स, हेक्सागोनल, पेंटागन विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ये सारे शेप भी हम बनाना सीखेंगे किसके हेल्प से? इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है? फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंट लेटर राइटिंग, इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग। क्या होगा? अब जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, उस ड्राइंग में आपको क्या होता है, जब लेआउट तैयार करते हैं तो शीट के साइड में आप एक टाइटल बॉक्स बनाते हैं जिसमें आप उस ड्राइंग के बारे में सब कुछ लिखते हैं, उस ड्राइंग में इसके बारे में सब कुछ लिखते हैं। पर उसमें भी लिखने के लिए जो आप वर्ड्स लिखते हैं उनको भी लिखने का एक तरीका होता है, उनकी एक साइज होती है। ये सब चीजें हम यहाँ सीखेंगे फ्री हैंड एंड इंस्ट्रूमेंटल लेटरिंग में। और क्या इसमें क्या क्या, जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं उनको भी लिखने का एक तरीका होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और नंबर्स को भी लिखने का एक तरीका होता है, अपर केस को थोड़ा अलग तरीके से, मतलब थोड़ा अलग साइज से और अलग तरीके से लिखा जाता है, और स्मॉल लेटर्स को और स्मॉल लेटर्स को थोड़ा अलग साइजेस से लिखा जाता है। ठीक है, साइजेस में लिखा जाता है और उनको थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, तो ये सब हम जानेंगे अपनी इसमें लेटरिंग में। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? डायमेंशनिंग टेक्निक। डायमेंशनिंग टेक्निक बच्चों क्या होता है? हमने कोई भी ड्राइंग तैयार कर ली, अब ड्राइंग में हमारा जैसे किसी पार्ट, कोई पार्ट है हमारे, कोई मशीन का पार्ट है जिसकी हमने क्या की? ड्राइंग तैयार कर ली। अब ड्राइंग मशीन के जो पार्ट है उसकी पार्ट में कुछ साइजेस भी तो होंगे उसके, उन साइजेस को हम ड्राइंग में क्या करेंगे? दिखाएंगे। अब वो साइजेस जो हम दिखाएंगे तो उसी को हम बोलेंगे क्या? डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग भी करते हैं ना, तो ऐसे नहीं कर देते हैं जैसे कि एक लाइन खींच दी उसका साइज लिख दिया बस हो गया,
नहीं, डायमेंशनिंग भी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, डायमेंशनिंग भी एक बिल्कुल प्रॉपर वे में और इतनी अच्छे से लिखी होनी चाहिए ताकि आपको ऑब्जेक्ट की पूरी साइजेस प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो वो डायमेंशन टेक्निक आपको क्या क्या पढ़नी है, नेसेसिटी ऑफ डायमेंशनिंग, मतलब मैंने आपको बता दिया डायमेंशनिंग की जरूरत पड़ती है हमें ड्राइंग को बनाने में, ताकि तभी तो हम ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह दिखा पाएंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ डायमेंशनिंग, अब डायमेंशनिंग करनी है तो उसके कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स भी होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। डायमेंशनिंग ऑफ ओवरऑल साइजेस, सर्कल्स, थ्रेडेड होल्स, क्लैंप हेड, सर्फेसेस, एंगल्स, टेपर्ड, और यहाँ से लेकर ये लास्ट तक आपका आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ तक आपको इन सभी चीजों की डायमेंशनिंग कैसे करनी है ये सब हम जानेंगे। इसके अलावा जो हमारा थर्ड चैप्टर, मतलब डायमेंशनिंग के बारे में पूरा, डायमेंशनिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, कैसे कैसे डायमेंशनिंग करते हैं, ये सारे रूल्स हम इस चैप्टर में देख लेंगे जिसमें डायमेंशनिंग टेक्निक्स है, ओके। इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है हमारा स्केल्स। स्केल्स बच्चों हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्केल्स आप बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, स्केल्स तो सबको पता होती है, इसलिए स्केल्स का हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ती है ना, मतलब स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्केल बच्चों यहाँ पर कई प्रकार के स्केल बनाना सीखेंगे हम, जैसे कि हमारा प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और आपका कॉर्ड ऑफ स्केल या फिर स्केल कॉर्ड। तो ये सब क्या होता है, ये कई टाइप के स्केल है जो कि हम इसमें बनाना सीखेंगे। अब बनाने से पहले हमें उसकी कुछ बेसिक्स भी तो पता होनी चाहिए, तो वो बेसिक भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, स्केल्स में देयर नीड्स, मतलब क्यों स्केल बनाई जाती है और मतलब इम्पोर्टेंस क्यों है इनकी, टाइप्स ऑफ स्केल, स्केल की क्या क्या टाइप है, और डिफरेंस डेफिनेशन ऑफ आरएफ एंड लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लेंथ और आरएफ के बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्केल पे हम क्या क्या देखेंगे, स्केल्स कितनी टाइप की होती है, कैसे बनाया जाता है और इनको इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ये सब हम स्केल्स के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमारा अगला चैप्टर क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। बच्चों देखो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या है, आपके सामने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब उनके आप एक्सिस देखें तो कैसे हुए, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होते हैं ना उनके। पर क्या बच्चों ये 3D डायग्राम, इसको बना 3D डायग्राम में, मतलब आप 3D डायग्राम में सारे फेसेस देख सकते हैं क्या, ड्राइंग में बनाते हैं नहीं देख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इनके फेसेस देखने के लिए, मतलब ऊपर से कैसा दिखेगी, साइड से देखने पर कैसी दिखेगी और सामने से देखने पर वो ऑब्जेक्ट कैसी दिखेगी, इस सब की हम ड्राइंग किस में बनाते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। आप सपोज कीजिए जैसे कि आपका घर है, ये घर सामने से कुछ अलग तरीके से दिखता होगा, साइड से कुछ अलग तरीके से और टॉप से कुछ अलग तरीके से। तो ये टॉप की साइज, साइड की और फ्रंट की ड्राइंग हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं। अगर सिंपल बोला जाए बच्चों तो एक 3D ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग में कन्वर्ट करने का काम हम कहाँ करते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। अब देखो बच्चों हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, आपको थ्योरी ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की थोड़ी थ्योरी देखनी है कि ये कहाँ से आया और क्या है ये। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बच्चों हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक टॉपिक होगा, वो भी आपको देखना है, किस किस में, फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या होता है, ये भी आप इस चैप्टर के अंदर जानेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्लेन मतलब कोई भी आपका तल है ना, वो तल की भी ड्राइंग हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उनकी ड्राइंग भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हैं, कैसे कि वो फ्रंट से कैसी दिखती है, वो साइड से कैसी दिखती है, टॉप से कैसी दिखती है, ये सब सरफेसेस की ड्राइंग हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों एक्साइटेड रहे हमारी अगली वीडियोस के लिए, ताकि हम आपको अगली वीडियोस में बहुत बहुत ज़्यादा मजा आए और ऑर्थोग्राफिक ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज भी अभी भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपके एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और अगली वीडियोज का आप तब तक हमारा इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।